आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वराज महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। धार जिले में भी भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव के आह्वान पर तिरंगा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 75 तीर्थ स्थल से लाए गए जल को शिव मंदिरों पर चढ़ाया गया। धार सहित जिले भर में 75 स्थानों से तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई, जिन्होंने स्थानीय मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। धार शहर में लालबाग से शुरू हुई तिरंगा कावड़ यात्रा में महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपने हाथों में जल व दूसरे हाथ में तिरंगा लिए शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। वहीं तिरंगा कावड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प बौछार कर स्वागत भी किया गया। यात्रा में महिला पुरुष नाचते गाते और देशभक्ति के गानों पर झूमते धारेश्वर मंदिर पहुँचे और भगवान शिव को जल चढ़ाया। यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। यात्रा के माध्यम से भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने देश की आज़ादी में बलिदान हुए वीर सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। अच्छा लगा, हमने आज तक आज़ादी तो नहीं देखी थी, लेकिन आज़ाद देश में रखे आज गौरवान्वित प्राप्त कर रहे हैं। और आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम सब लोग यहाँ आए हैं और हमें बहुत अच्छा आनंद आया है। और इस देश के लिए हम मतलब आज ये सोच रहे हैं कि भारत देश में रहना बहुत गर्व की बात। ये शहीदों के सम्मान का एक आयोजन था, तिरंगे के सम्मान का आयोजन था। भगवान शिव सावन के महीने में जल के रूप में रहते हैं। 75 स्थानों से जल लाकर हमने प्रत्येक परिवारों में, लाखों परिवारों में इसको वितरित किया। लाखों लोग कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, शहीदों के लिए, बलिदानियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पर आए थे। और निश्चित तौर पे हर किसी के मन में भावना थी कि हम शहीदों के परिवारों को सम्मान करें जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर इस देश के लिए किया है। धारेश्वर मंदिर के अलावा और किन स्थानों पर? 75 मंदिर थे धार क्षेत्र के। पीथमपुर के 5 मंदिर थे, इंडोरमा का मंदिर था, घाटा बिलोद का था, तिरला का था। अब सभी जगह गांव-गांव में यात्रा निकली है। तो निश्चित तौर पे लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तिरंगे के सम्मान में हुए हैं। 15 अगस्त भी आने वाला है। मोदी जी ने भी आह्वान किया कि हर घर पर तिरंगा हो। वो इसलिए हो कि देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है।